हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस साइकिल को लिए हुए मुझे पूरे के पूरे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में क्या रहा, कैसा रहा, वो सारी जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके भीतर आ जाती है फ्रेम में बैटरी। तो इसकी जो बैटरी पावर है वो एक बार चार्ज करने पर 20 से 25 किलोमीटर चलती है। 3 साल में भी लगभग 20 के आसपास 18 से 20 ये एवरेज आ रहा है। ये हालांकि एक बार 9 महीने बाद जब मैं साइकिल खरीद कर लाया था तो 9 महीने बाद इसकी बैटरी को चेंज करा दिया था मैंने, और अब जो है वो जो कि वारंटी में थी तो फ्री में हमारा चेंज हो गया था। 2 साल की वारंटी होती है बैटरी की, और एक बार चार्ज करो 20 से 25 चलती है। तो आज भी 18 का एवरेज 20 का एवरेज तो दे ही रही है, और बैटरी में अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। और दोस्तों ये रहा मोटर इसका, तो मोटर की भी वारंटी होती है 2 साल, और जो कि अभी भी चल रहा है, मोटर में भी कोई दिक्कत नहीं आई है 3 साल के भीतर। बाकी ये जो ब्रेक पैड वगैरह होते हैं ये सब तो घिस जाते हैं, तो इसमें जो है ये तो चेंज करा लिए जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। अब टायर की बात करें तो पीछे का टायर तो अभी अभी भी चलेगा, काफ़ी चलेगा। 3 साल हो गए, मैं हालांकि बहुत चलाया मैंने इसको, तो ये अभी चलेगा। आगे के टायर की कंडीशन दिखाते हैं, तो आगे के टायर की भी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक, हालांकि डिस्क ब्रेक का बार बार ख़राब होते रहते हैं, तो इसलिए डिस्क ब्रेक का तो मैं यही कहूँगा कि इसको चेंज कराना ही पड़ता है समय समय से। 3 4 महीने 6 महीने भी चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा लगभग तो नहीं चल पाते हैं। और दोस्तों ये हमने इसमें लिखवाया था सेव अर्थ, तो एक ये मुहिम रही सेव अर्थ की, ये भी हमने इसमें लिखवा रखा है। और जो फ्रंट का पहिया होता है वो डिटैचबल होता है, आराम से इसको हटाओ और ये खुल जाता है। हमने इसकी भी वीडियो बना रखी थी, ये वो भी अपलोड कर रखी है। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल इस साइकिल के बारे में कि कितना पैसा लग गया अभी तक। तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको बता ही रखा है हर वीडियो में कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा है, वही मैक्सिमम मैक्सिमम 1500 से 2000 लगे होंगे, क्योंकि इसमें मैंने ये लाइट भी लगवाई थी। लाइट का हम दिखाते हैं आप लोगों को, फ्रंट व्हील में स्पोक लाइट होती है, तो ये लाइट भी लगवाई थी हमने, तो ये भी बहुत अच्छी चलती है। और इसमें हमने ये घंटी डलवाई थी। इसका सीट कवर तो अभी हटा रखा है हमने, जो कि जाली सीट कवर वो डलवाया था। बाकी ट्यूब चेंज कराया था जो कि कई बार पंचर हो चुका था, और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, शाइनिंग भी अभी बरकरार है। हालांकि मैं इस साइकिल को काफ़ी मेंटेन करके रखता हूँ, और हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जैसे एक मुबारक चौधरी, वो कह रहे थे कि सर इस साइकिल हमें मिल सकती है क्या, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, साइकिल हम उनको दे सकते हैं। और अगर किसी को साइकिल चाहिए तो दोस्तों आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, साइकिल को मैं दे दूंगा जिसको भी लेना होगा। एड्रेस वगैरह आप लोगों को बता दिया जाएगा कहाँ। और दोस्तों इस साइकिल का जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम फ्रेम होता है, तो जो कि इसकी भी वारंटी होती है, लाइफ टाइम वारंटी होती है। अगर क्रैक होता है कहीं से तो वो भी कंपनी हमें चेंज करके देगी। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें नए हैं तो। बाकी एक बार मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ, यहाँ से इसको ये ऑन करते हैं, और उसके बाद ये थ्रॉटल हो गया, थ्रॉटल घुमाएंगे और ये पहिया घूमने लगेगा। ये देखिए, ये थ्रॉटल हमने घुमाया है हम, तो ये पहिया घूमने लगा, ये हमने इसको रोका। और दोस्तों ये मोड होता है इसका लो मीडियम हाई, जो कि थ्रॉटल में वर्क करता है इसका। और बाकी तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एसेसरीज वगैरह मैंने नहीं लगाई अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, उससे साइकिल का शो भी ख़राब हो जाता, दिखने में भी ख़राब लगती, और वैसे भी ठीक नहीं लगता लगाना, क्योंकि एक कोई अलग चीज़ लगाओ तो अलग आवाज़ आती है, जैसे मडगार्ड, चैन कवर वगैरह ये सब अलग आवाज़ करती है, खटर पटर, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो बाकी वैसे तो 3 साल में मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा रहा इसके साथ, साइकिल के साथ। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों के पास भी साइकिल है ऐसी। तो थैंक यू, नमस्ते।